देखो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी जब लोग आंदोलन चला रहे थे भारत की आजादी के लिए, तब अंग्रेज सरकार भी इस तरह के मुचल के भरती थी, 50-50 लाख के 1-1 करोड़ के बाउंड करती थी, और वो भी आंदोलनकारियों को टेरिस्ट बोलती थी। भगत सिंह को अंग्रेजों ने कभी निकाला आंदोलनकारी, वो हमेशा बोलते थे आतंकवादी है, और वही काम सरकार कर रही है आज। जो लोग आंदोलन करते हैं भारत में आज, अगर कोई स्टूडेंट आंदोलन करता वो टोके टोके गैंग का लीडर है, कोई मुस्लिम आंदोलन करता वो पाकिस्तानी है, कोई सिख आंदोलन करता वो खालिस्तानी है, और कोई किसान और कोई आंदोलन करते हैं तो वो सब देश विरोधी है। तो ये तो ट्रेंड बन गया कि जो बोलेगा इनके खिलाफ वो देशद्रोही कहलाएगा सीधा। लेकिन अब ये बात बहुत पीछे हट चुकी है, अब इनका जो गोदी मीडिया है ना वो इस पर लगा हुआ पूरे प्रचार पर। लेकिन मैं बता दूं आपसे, आज 20 दिन हो गए, 20 दिन से 15 लाख व्यक्ति सड़क पर बैठे हैं और 35-40 हज़ार ट्रैक्टर वहाँ पहले पहुँच चुके थे, आज की तारीख में 90 हज़ार ट्रैक्टर वहाँ खड़े हैं। एक सुई नहीं गिरी किसी की, सुई चोरी नहीं हुई किसी की, किसी का नुकसान नहीं हुआ, गाली गलौज नहीं हुई। इतना पीसफुल आंदोलन दुनिया के इतिहास में आज तक कभी हुआ नहीं हुआ जो आज हो रहा है भारत के अंदर। इतना पीसफुल मूवमेंट है, और ये हमारी जीत है कि आंदोलन हम बहुत पीसफुल चला रहे हैं। किसी राजनीतिक पार्टी हमारे को मतलब नहीं है, विपक्षी पार्टी ने साफ बोल दिया हमारे मंच पर कोई अपने झंडा लेकर नहीं आएगा, न टू मिलाकर आएगा, एज ए किसान को यहाँ चाहता हूँ कभी भी आइए आप। तो इतना फ्रेश आंदोलन हो रहा है भारत किसानों का, ये प्योर किसानों का आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, और इसे जीतेंगे किसान निश्चित तौर पर। ऐसा है इस भारत के इतिहास में एक पहला ऐसा बड़ा आंदोलन हुआ है देश किसानों का, जो वास्तव में किसान आंदोलन है। इस सब धर्म जाति से ऊपर उठकर तमाम देश के किसान अपनी शिपर डटे हुए हैं। अभी सरकार ये चाहती है इस आंदोलन को किसी भी तरीके से खालिस्तानी बताकर, आतंकवादी बताकर, टेररिस्ट का बताकर, टुकड़े टुकड़े गैंग बताकर इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, और कोई भी तरीका ऐसा नहीं है इन्होंने जो अपना आप रखा हो जो ये ना अपना रहे हो। मुझे जानकारी मिली कि हमारे 6 कार्यकर्ता, मैं जिसमें खुद शामिल हूँ, मेरे नाम, मेरे बेटे के नाम, ऋषि चौधरी के नाम, राज्यपाल सिंह यादव जो वहाँ जिला थे उनके नाम, संजीव गांधी हमारे महासचिव उनके नाम, एक अर्जुन सिंह हमारा युवा साथी उसके नाम, 50-50 लाख के इन्होंने नोटिस जारी किए हैं, बॉन्ड भरवा रहे हैं, मुचल के भरवा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे बड़ा और क्या अन्याय हो सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये दिखाना चाहती पूरे देश को कि ये आंदोलन जो हो रहा है भारत में ये सिर्फ पंजाब हरियाणा तक सीमित है, उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं है इसका, जबकि उत्तर प्रदेश के हर गांव में, हर घर में ये आंदोलन फैल चुका है। उत्तर प्रदेश के तमाम किसान सड़क पर आ रहे हैं, और योगी सरकार ने एक ऐसा पूरा तंत्र लगा दिया अपने पूरे स्टेट का कि जब भी कोई कार्यकर्ता खरीदने की कोशिश करता है वो घर पर पुलिस भेज देते हैं। ये पहले पुलिस भेजते हैं, फिर अरेस्ट करते हैं, रात को फिर छोड़ते हैं, फिर गिरफ्तार करते हैं, और अब तो हद ही कर दी है। 50-50 लाख के मुचलके भरवा रहे हैं। नोटिस सरकार का षड्यंत्र, किसानों के आंदोलन का दमन करना चाहते हैं ये लोग, लेकिन इस तरह की नोटिस जो जारी की है तो उससे लगता है कि किसानों के प्रति इनकी जो मानसिकता है वो उजागर होती है, और नोटिस ये जो है किसानों को एक डराना धमकाना और किसानों का जो आंदोलन चला है उसको ये एक दमन करना की षड्यंत्र नीति है, लेकिन इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।